आज हमने करनी है लैब नंबर 9, दैट इज इंट्रोडक्शन टू वेरीलॉग एचडीएल एंड ज़ाइलिंक्स आईएसई। तो बेसिकली हम एक लैंग्वेज पढ़ेंगे वेरीलॉग, जिसमें हम अपने लॉजिक सर्किट बना सकते हैं, और फिर उसका सॉफ्टवेयर देख लेंगे कि वो क्या है। अच्छा, सबसे पहले हम अभी देखते हैं कि हम इतने ज़्यादा एंड और नॉर सारी आईसीज लगा लगा के पूरा एक हार्डवेयर सर्किट बना रहे हैं। तो इससे अच्छा हम ये ना करें कि हम एक आईसी लें और उस पर सारा उसको प्रोग्राम कर दें, ठीक है। तो हम उस तरह सिंपल, हमारे पास एक ही आईसी में सारा जो हमारा लॉजिक सर्किट है वो बन जाएगा। तो उसके लिए मेरे पास जो लैंग्वेज होती है वो है वेरीलॉग, और जो आईसी होती है वो हमारे पास बेसिकली एफपीजीएज होते हैं, फिर प्रोग्रामेबल गेट एरेज। तो फिलहाल वो जो वेरीलॉग लैंग्वेज है वो हम देखेंगे। बेसिकली उसमें हम करते ही हैं कि जो पूरा हमने ये हार्डवेयर बनाया है उसको हम एक लैंग्वेज में लिख देते, ठीक है। मतलब वेरीलॉग जो है वो बिल्कुल हमारे हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है। अब वो करते किस तरह है वो आ जाओ देखते हैं। अच्छा, वेरीलॉग में हम डिफरेंट लेवल पर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक तो ये कि हम गेट लेवल पे रहें कि हम एंड नॉर ये सब लिख लिख के अपनी प्रोग्रामिंग करें, जो कि हमारी आज की लैब है, इंट्रोडक्शन है, तो सिंपल रखेंगे, गेट लेवल करेंगे। या हम डेटा फ्लो कर मॉडलिंग कर सकते हैं कि हम डेटा किस लिहाज से फ्लो कर रहे हैं थ्रू आउट हमारे सर्किट में, के ऑपरेटर्स यूज करके हम वो इक्वेशन लिख के हम कर सकते हैं वो भी। फिर हमारे पास आता है एल्गोरिथमिक लेवल पे जाके, बिहेवियर लेवल पे जाके, किस लूप सी कोड की तरह किस लूप लगाते हैं, और फिर हम पूरा ग्रुप प्रोग्राम कर सकते हैं उसको। तो हमारी बेसिक लैब है तो हम गेट लेवल तक रहेंगे, वो किस तरह करते हैं वो अब देख लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हाफ एडर की। हाफ एडर में, हाफ एडर को हम कहेंगे, ठीक है, वो हमारा एक मॉड्यूल है, ठीक है, कि वो हमारा एक बॉक्स है, जो सर्किट है जो हमें बनाने हैं उसके कुछ इनपुट पोर्ट्स होंगे, कुछ आउटपुट पोर्ट्स होंगे। तो अगर मैं हाफ एडर की बात करती हूँ, अगर मुझे वो वेरीलॉग में लिखना है, तो एज एन एग्जाम्पल हमने ले लिया, तो उसके मेरे पास दो इनपुट्स थे, ए एंड बी, जो कि नंबर है जिनको हमको ऐड कराना है, और मेरे पास सम और कैरी, मेरे पास क्या हो गया, आउटपुट। अब मुझे पता चल गया, ठीक है, जो इस बॉक्स के अंदर जो मॉड्यूल बनेगा उसमें मेरे पास गेट लेवल पे जाके एक सर्किट बन जाएगा। अच्छा, अगेन हम मॉड्यूल्स को बना सकते हैं, एक मॉड्यूल के अंदर एक और मॉड्यूल नहीं बना सकते, ठीक है। वो भी तुम लोग आगे जाओगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। मॉड्यूल पोर्ट्स की बात हो गई कि इनपुट पोर्ट्स होंगे, आउटपुट पोर्ट्स होंगे, या ये पोर्ट्स जो है वो इन एंड आउट पोर्ट्स भी हो सकते हैं। वेरीलॉग की कुछ चीज़ें हैं, वेरीलॉग केस सेंसिटिव है, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर में फ़र्क है, तो दोनों सेम सिग्नल नहीं है। तुम कोई भी मॉड्यूल जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी कमेंट्स अगर तुमको देने हैं तो तुम इस तरह डबल स्लैश डाल के, या मल्टीपल लाइन कमेंट्स डालना हो तो इस तरह डाल के तुम कर सकते हो कमेंट, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ इधर, मेरे पास जो जो गेट्स हैं, बेसिक गेट्स जो हम लोग आईसी यूज करते हैं, एंड और नैन नॉर एक्स नॉर जोर नॉट और बफर, ये ऑलरेडी मौजूद हैं मेरी इस लैंग्वेज के लिए। तो जो वेरीलॉग है वो इनको पहचानती है, तो मैं इसको सिंपल कॉल करूँगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एंड गेट करना है, मैंने बोला ठीक है, एंड गेट को मैंने कॉल किया, इनपुट इनपुट दोनों वेरिएबल्स दिए, उनका आउटपुट यहाँ आ जाएगा। मतलब कि मेरे पास इन वन और इन टू पे जो भी वैल्यू आ रही है उसका आउट एंड होके आउट पे चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह मेरे पास और ऑप्शन है कि मैं अगर अपने गेट को नाम देना चाहूँ, तो मैंने बोला ठीक है N25 दे देती हूँ, एंड N25 अपने गेट को नाम दे दिया, और ए बी सी का एंड करके मैंने जेड पे दे दिया। मुझे पता है कि इन सारे गेट्स का जो आउटपुट है वो एक ही होगा, ठीक है, लेकिन इनपुट मेरे पास मल्टीपल हो सकते हैं। तो इसी तरह मैंने कहा कि ठीक है एंड N25 जेड इज द आउटपुट, जो पहली पोजीशन होगी वो हमेशा आउटपुट की लोकेशन होगी, बाद में कॉमा सारे इनपुट, ए बी सी आर द इनपुट। तुम एंड डिले भी दे सकते हो कि #10 से डिले का मतलब ये हो गया कि इनपुट आया ए बी एक्स, और 10 यूनिट डिले के बाद उन सब का एंड जो है वो जेड पे चला गया, ठीक है। और तुमने कहा कि ठीक है और गेट उठाया जिसका नाम ये था, वही आउटपुट SET होगा, बाकी ये तीन क्या हो जाएंगे इनपुट। इसी तरह कॉमा मैं दो एंड और गेट भी साथ उठा सकती हूँ, N41 एक और गेट था जिसमें ABC और R1 का और होके N25 पे उसका आउटपुट चला गया। इसी तरह मैं ये सारा एक साथ नाम और डिले मैंने साथ दे के ये एग्जाम्पल्स दे दिए। ख्याल इस चीज़ का रखना है कि जब तुम एंड को कॉल करो तो तुम्हारे पास फर्स्ट पोजिशन पर तुम्हारा आउटपुट आएगा, सेकेंड और उसके बाद जो होंगे वो तुम्हारे इनपुट डिक्लेयर हो रहे होंगे, ठीक है। वेरीलॉग जो है वो हमारे पास जो नॉर्मल लॉजिक्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जीरो
हाई लो हो गया, वन जो है वो हाई हो गया, x जो है इट्स अननोन या डोंट केयर हम कहते हैं, z अगर कभी आ जाए, मोस्टली अब नहीं आएगा क्योंकि हम इतना लेवल पे नहीं जाएंगे वेलॉग में, लेकिन z जो है वो तुम्हारी हाई इंपीडेंस स्टेट होती है, मतलब कि तुमने कोई ऐसा कोड किया है कि कहीं पे दो कनेक्शन जो है वो ओपन रह चुके हैं, ठीक है, मतलब वहां से सर्किट कनेक्टेड नहीं है अगर कहीं पे तुम्हारा z आउटपुट आ रहा होता है। अब आओ सिंपल हमने आप एडर की ली थी, अब मैंने बोला ठीक है ये पूरा एक वेरीलॉग का मॉड्यूल है जिसके अंदर क्या है दो गेट्स हैं, हम गेट लेवल पे जाने की बात करें मतलब हम गेट्स कॉल आउट करें, मेरे पास क्या है मैंने बोला ठीक है मॉड्यूल स्टार्ट यहाँ से करना है, ये मेरे पास डबल स्लैश आ गया, मेरे पास ये आ गई कमेंट गेट लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाफ एडर मॉड्यूल हाफ अंडरस्कोर एडर, ये मैंने अपने मॉड्यूल का नाम दे दिया, इस तरह हम कोड करते हैं, ब्रैकेट ओपन किया, मैंने अपने सारे पोर्ट्स यहाँ पे बता दिए, मैं कोड ठीक है मैंने कहा कि ठीक है ए बी सम कैरी ये हो गए मेरे पोर्ट्स, सेमी कॉलन मुझे हर लाइन के एंड में डालना होता है, ये मेरा सिंटेक्स है, मैंने कहा कि ठीक है इनपुट ए और बी हो गए इस मॉड्यूल के, सेमी कॉलन बंद, आउटपुट इनपुट आउटपुट ये ऑलरेडी डिफाइंड है मेरी लॉग में, मेरे पास मैं बोला ठीक है आउटपुट इनपुट्स में से कौन से हैं सम और कैरी, कॉमा बीच में डाल दिया सेमी कॉलन दैट्स इट। अब अंदर मॉड्यूल की क्या हो रहा है, पहले पोर्ट्स डिफाइन कर दिए, फिर मैंने कहा कि अंदर मॉड्यूल में क्या हो रहा है वो मैं नीचे से कोड लिखूंगी, सबसे पहले जोर गेट है मेरे पास, उसमें क्या हो रहा है ए और बी जोर हो रहा है, आउटपुट कहाँ पे जा रहा है सम, तो पीछे मैंने देखा था कि मैं किस तरह गेट्स को बुलाती हूँ जोर ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा आउटपुट कॉमा जो इनपुट जिनका जोर कराना है ब्रैकेट बंद सेमी कॉलन, ख्याल ये रखना सेमी कॉलन और कॉमास का, ठीक है फिर तुम्हारे पास क्या है इसमें एंड गेट है, एंड गेट किस किसका हो रहा है ए और बी का एंड करके आउटपुट कहाँ दे रही हूँ कैरी में, तो इसी तरह मैंने एंड गेट को बुलाया कैरी में, क्या करना है सिर्फ ए और बी का आउटपुट भेज देगा सॉरी एंड भेज देगा, तो ए और बी का एंड होकर कैरी में चला जाएगा सेमी कॉलन ला के एंड मॉड्यूल, ये सिंपल सा मेरा छोटा सा गेट लेवल हाफ एडर बन गया, सही है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, अगर मैं कहूँ कि मुझे इन बेसिक गेट्स ऑलरेडी मेरे पास नैंड गेट तो है लेकिन मैं चाह रही हूँ मैं एंड और नॉट से अपना एक नैंड गेट बनाऊँ, तो मैंने कहा कि ठीक है मॉड्यूल नैंड अंडरस्कोर गेट मॉड्यूल का नाम दे दिया, ठीक है वाई कॉमा ए कॉमा बी ये मेरे पोर्ट्स हो गए, इनपुट कौन से थे ए और बी सेमी कॉलन, आउटपुट क्या था इनमें से वाई हो गया सेमी कॉलन। अब ये नई चीज है वाई सी, अगर मैं देखूँ अपना सर्किट मैं कहती हूँ मेरे पास एंड गेट आता है, एंड गेट का आउटपुट क्या होता है नॉट होता है और वो आउटपुट में मिल जाता है, तो मेरे पास ये जो जम्पर वायर है वो क्या है एक कनेक्शन दे रही है इस गेट से उस गेट के लिए, उसको मेरे पास वेरिएबल मेरे पास वेरीलॉग में होता है डेटा टाइप वायर का, तो मैं कहती हूँ ठीक है मैं एक वायर ले लेती हूँ जो इंटरनल कनेक्शन कराएगा एक गेट से दूसरे गेट से, सही है, मतलब अब अगर मैंने कहा कि ठीक है मैं इसको सी ले लेती हूँ तो सी पे मेरे पास क्या आएगा इन ए और बी का एंड और फिर मैं सी का नॉट करा दूंगी, कैसे होगा वायर सी ले ली, ये मुझे समझ आ गया कि मैंने क्यों लिया क्योंकि मुझे इंटरनल कनेक्शन कराने अपने गेट्स के बीच में, तो मैं बीच में वायर डेटा टाइप उठाऊंगी, मैंने कहा कि ठीक है एंड टू अंडरस्कोर गेट मेरे पास एक मॉड्यूल ऑलरेडी बना हुआ था, मैंने कहा कि यहाँ पे मैं सिंपल एंड भी लिख सकती हूँ, मैंने उसको नाम दे दिया कॉम ब्रैकेट ओपन सी पे ए और बी का एंड भेज दो सेमी कॉलन लगा के लाइन मैंने खत्म कर दी, तो मेरे पास सी पे क्या आ जाएगा ए और बी का एंड, अच्छा कैपिटल है स्मॉल है इसको भी फिलहाल भूल जाओ, हाँ केस सेंसिटिव होता है लेकिन यहाँ पे फिगर पे डिफरेंट है यहाँ पे डिफरेंट है लॉजिक को समझो बेसिकली। फिर मैंने कहा कि ठीक है फिर मेरे पास नॉट अंडरस्कोर गेट मैंने नॉट को कॉल किया यू टू नॉट गेट का नाम दे दिया वाई कॉमा सी मतलब वाई पे मेरे पास क्या होगा सी का नॉट हो जाएगा एंड दैट्स इट ब्रैकेट बंद सेमी कॉलन एंड मॉड्यूल। इस तरह मैं वायर की इस एग्जाम्पल का तुम लोगों को समझाने का मकसद ये था कि इंटरनल कनेक्शन अगर मुझे कराने हों जो कि मेरे पास अगर मैं फुल एडर की एग्जाम्पल अभी देखूंगी इसमें मुझे चाहिए होंगे कि एक गेट के आउटपुट दूसरे गेट से मिलकर एक पूरा कॉम्बिनेशनल सर्किट बन रहा है तो इसके लिए मुझे इंटरनल वायर चाहिए होंगे। यहाँ पे तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे कि एंड टू अंडरस्कोर गेट और नॉट गेट क्या है, इसकी जगह तुम लोग ले लो एंड यू वन नॉट यू टू, ठीक है इसको इस तरह देख लो, बेसिकली मैंने एंड और नॉट गेट को कॉल किया। अब आ जाओ वेरीलॉग में, अगर मुझे कोई नंबर बताना होता है तो मैं कैसे बताती हूँ, तरीका इसका ये होता है कि मुझे कितने फॉर्मेट इसका ये है कि मुझे कितने बिट्स का चाहिए नंबर
एपोस्ट्रफी, बेस क्या होगी, हेक्साडेसिमल चाहिए, ऑक्टल चाहिए, डेसिमल चाहिए, बाइनरी चाहिए, एंड वो नंबर बता देती हूँ इस तरह। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो वो बाय डिफॉल्ट वो 32 बिट का नंबर उठाएगा और रेडिक्स इसका डेसिमल होगा अगर मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी है। अच्छा, ये बात ख्याल रखना कि तुम्हारे पास ये apostrophe और जो मैं अपना इंडेक्स बताऊंगी उसके बीच में स्पेस ना हो। अगर वो आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये तुम लोग को एग्जाम्पल दी हुई है, 1 apostrophe, यहाँ पे स्पेस आ गया तो वो इलीगल ले लेगा, वरना मेरे पास क्या हो गया, 8 बाइनरी का नंबर था, 1010011, 16 bits का मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर था ABCD। यहाँ पे मैंने अपने बिट्स नहीं बताए तो वो बाय डिफॉल्ट 32 bits का बाइनरी नंबर उठाएगा, 101। 1 bit का बाइनरी उसने हाई इम्पीडेंस डेट उठा दी, 1 bit की उसने बाइनरी अपना डोंट केयर उठा लिया, 1 bit का यहाँ पे स्पेस आ गया अपोस्ट्रोफी और बेस के बीच में तो यहाँ पे वो इलीगल दे देगा। इसी तरह मेरे पास 8 bits का बाइनरी ये नंबर आ गया। इस तरह हम नंबर्स डिफाइन करते हैं। ये और एग्जांपल्स हैं, 659, इधर ना मैंने बेस दिया है ना वो दिया, तो 32 bits के लिए वो 659 को उठा लेगा, डेसिमल ले लेगा उसको। यहाँ पे ऑक्टल नंबर आ गया 32 bits अगेन, क्योंकि मैंने यहाँ पे बिट्स डिफाइन नहीं किए हुए, 4 bit बाइनरी नंबर, 16 बिट्स का हाई इम्पीडेंस स्टेट उठाएगा हेक्स में। तो ये बेसिकली मेरे पास वेरिलॉग की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी। अच्छा, जब हम सर्किट बना लेंगे, हम जब मॉड्यूल बना लेंगे, हमने कोड कर लिया, उसके बाद हमको टेस्ट भी करना होगा, जो हमने कोड बनाया है उसका सिंटेक्स बिल्कुल सही है लेकिन वो उस तरह काम, लॉजिक काम कर भी रही है जिस तरह हमारा ट्रुथ टेबल पे लिखा हुआ है या नहीं। उसके लिए मैं एक टेस्ट बेंच बनाती हूँ, मतलब मैं उसको खुद से इनपुट दे के उसको सिमुलेट करती हूँ, उसको रन करके उसका आउटपुट चेक करती हूँ, फिर मुझे पता चल जाता है कि ठीक है, हाँ ये सही काम कर रहे हैं या नहीं। तो बेसिकली मेरे पास ये हो जाता है, उसको मैं कहती हूँ टेस्ट बेंच मॉड्यूल, वो भी हम देखेंगे आज। सही है, अब आओ यहाँ पे मेरे पास ये एक एग्जांपल है तुम लोग की, हाफ एडर की मैंने समझा दिया है, एक और एग्जांपल करेंगे जो कि फुल एडर की होगी, जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मेरे पास अगर ये फुल एडर, इसका वेरीलॉग कोड अगर मैं देखूं, तो मेरे पास अगर ये पूरा एक मॉड्यूल बनाना होगा तो इसके इनपुट्स कितने हो जाएंगे, ए बी सी इन, 3 इनपुट हो गए। एस मेरे पास और सी आउट क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट। तो मैंने कहा कि ठीक है, मॉड्यूल फुल एडर था, एस सी आउट ए बी सी इन ये पोर्ट्स थे। मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं सारे जो अपने आउटपुट पोर्ट्स हैं वो पहले डिफाइन कर दूँ, एक स्टैंडर्ड है वो कर दूँ, वैसे भी करोगे तो कोई इशू नहीं है। आउटपुट मैंने कहा कि आउटपुट पोर्ट कौन से होंगे, एस और सम और कैरी आउट, सेमी कॉलन लगा के बंद कर दिया। इनपुट पोर्ट कौन से होंगे, ए और बी और सी इन, मेरे पास इनपुट पोर्ट्स हो गए। अच्छा, वेरीलॉग में ये है कि सब पैरेलल चलता है, ऊपर नीचे का कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने लिख दिया आउटपुट, इनपुट पहले लिखना है, वो साथ साथ ही होगा पूरा। वेरीलॉग में सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो आपस में पैरेलल चल रहे होते हैं, सिक्वेंशियल नहीं है वेरीलॉग, सही है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि ठीक है, अब क्या हो रहा है, ए और बी का जोर हो रहा है, वो किसी बीच वाली वायर में आ रहा है जो कि इंटरनली कनेक्शन कर रही है किसी और वायर, किसी और गेट से। तो मेरे पास बेसिकली ये क्या होगी, एक वायर डिफाइन करनी पड़ेगी जिसका सी इन से जोर होकर सम पे आउटपुट होगा। यहाँ पे वायर नहीं चाहिए क्योंकि डायरेक्टली ये वाली जो होगी सी इन से कनेक्ट है, और ये एन वन जो अगर मैं वायर ले रही हूँ उससे हो जाएगी, ठीक है। ये अगर मैं देखूं और ये अगर मैं देखूं तो ये दोनों अगेन मुझे इंटरनल वायर्स चाहिए होंगी जिसपे इन दोनों गेट्स का आउटपुट आएगा, और वो फिर इस गेट से कनेक्टेड है और मुझे आखिरी के पोर्ट्स में आउटपुट चाहिए आ रहा होगा, क्योंकि ये वाले पोर्ट्स हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं। इंटरनल वायर्स के लिए मुझे उनको भी डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं टोटल वायर्स देखूँ तो मेरे पास कौन सी है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ फुल एडर है, मेरे पास एक ये वायर है जो कि इंटरनली कनेक्शन करी इस गेट से इस गेट तक, ठीक है। फिर मेरे पास एक ये वायर है और एक ये वायर है, तो बेसिकली मेरे पास 3 वायर्स हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं 3 वायर्स को कॉल करूंगी, वायर N1, N2, N3, तुम लोग अपनी मर्जी से नाम दे सकते हो, बीच में कॉमा का ख्याल रखना। मैंने कहा कि सही है, अब आ जाओ यहाँ पे कि मैं इसको कोड किस तरह करूंगी। मैंने कहा कि ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया, जोर गेट बुलाया, तुम्हारे पर कौन सा गेट पहले उठा रहे हो, सब पैरेलल काम करेगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैंने जोर गेट को कॉल किया, जोर ब्रैकेट ओपन, N1 पे मेरे पास आउटपुट आ रहा है, N1 कॉमा ए बी का जोर जो है वो N1 पे भेज दे, ठीक है।
ए बी का जोर करो और एन वन पे आ गया। ठीक है, अब मेरे पास फिर से एक और जोर गेट है। मैंने बोला ठीक है, अब ये एन वन पे जो आ रहा था वो और सी इन का जोर होके सम पे आ रहे हैं, तो ठीक है मैंने कहा कि सही है, मैं जोर गेट कॉल करूंगी, एस पे सम पे मेरे पास एन वन और सी इन का जोर होके आउटपुट आ रहे, सही। फिर मैंने कहा कि ठीक है एंड गेट्स आ गए, ए और बी का एंड हो रहा है और इस गेट पे जाके इधर एन टू है मेरे पास, तो मैंने उस पे आउटपुट दे दिया। तो मैंने कहा कि ठीक है एंड ए और बी का एंड कर दो, एन टू पे दे दो आउटपुट। ठीक है, ये बेसिकली मेरे पास एन टू है, ये मेरे पास एन टू वायर जा रही है। फिर मेरे पास क्या आया, ये वाला एंड गेट, इस पे एंड गेट क्या हो रहा है, एन वन और सी इन का एंड हो रहा है और आउटपुट किस पे जा रहे हैं, एन टू। ठीक है, तो मैंने कहा कि सही एन टू। अब मेरे पास गेट, एक और गेट बुलाया मैंने, एंड गेट बुलाया ये वाला, और एन वन और सी इन कैरी इन का जो एंड है वो एन थ्री पे चला जाएगा, जो कि मेरे पास ये वाली वायर होगी, और फिर एन थ्री और एन टू का और होगा और सी आउट में चला जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं और गेट बुलाऊंगी, सी आउट पे एन टू और एन थ्री का और जाएगा, सी आउट पे सेमी कॉलन डाला एंड मॉड्यूल, हर लाइन के बाद सेमी कॉलन डालना है एंड मॉड्यूल, दैट्स इट। ये तुम्हारा हो जाएगा कोडिंग, इस तरह होती है, हर गेट को उठा उठा के तुम्हें सिर्फ वायर्स का ख्याल रखना है, कनेक्शन के कहाँ कहाँ से मैं आउटपुट, ये ख्याल रखना है कि जब तुम लोग गेट को कॉल करोगे तो पहली लोकेशन आउटपुट की है, बाद में सारे इनपुट्स आते हैं। ठीक है, तुम लोग का ये क्वेश्चन है कि तुम लोग को हाफ एडर फुल एडर लिखना है, कोड करना है, फिर टेस्ट बैंक बनाने, वो देखते किस तरह बनाते। फिर तुम्हारे पास ये एक और एक एग्जांपल है प्रैक्टिस के लिए कि तुम लोग इसको कोड करो वेरीलॉग में, अगेन ये एक और कॉम्बिनेशन सर्किट जिसको कोड करना है वेरीलॉग पे, और तुम्हें सिर्फ इस पर कोड देना है। सही, अब आओ कि हम सॉफ्टवेयर कैसे यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर पे क्या करेंगे। हम सिंपल सा एक हाफ एडर बना के देख लेते हैं, या हम फुल एडर ही बना के देख लेते हैं ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं Xilinx पे। ये क्या है, ये मेरे पास सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लोग कोड करते हैं। अगर तुम लोग अपने डेस्कटॉप पे देखोगे जाके सर्वर वाले, तो तुम्हारे पास ये सिंबल होता है ISE डिजाइन एस सूट जो है तुम्हारे पास यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है जो हम यूज कर रहे होंगे। हम गए यहाँ पे, हमने कहा कि ठीक है फाइल न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट है, मुझे क्या बनाना है। मैंने बोला ठीक है मुझे फुल एडर बनाना है, तो मैंने एडर नाम दे दिया। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम एडर है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं सेलेक्ट करती हूँ कि जो मेरे पास जो बोर्ड होगा, जो आईसी है, वो कौन सी होगी, क्या होगी। फिलहाल हमें गर्ज नहीं, हमें ये देखना है कि हम जो कोड करें लैंग्वेज वो वेरीलॉग हो, वीएसडीएल ना। ठीक है, नेक्स्ट कर दो, फिनिश, दैट्स इट। फिर हम इम्प्लीमेंटेशन पे क्लिक करोगे, एंड फिर इसको क्लिक करके, इसको राइट क्लिक करके, इसमें हमें एक नया मॉड्यूल ऐड कराना है, तो राइट क्लिक करके हम मॉड्यूल ऐड करेंगे, न्यू सोर्स। न्यू सोर्स क्या चीज की न्यू सोर्स चाहिए, वेरीलॉग मॉड्यूल की। यहाँ पे मैं लिख दूंगी फुल एडर, मेरे पास मॉड्यूल का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा दो तरीके, यहाँ पे अपने पोर्ट डिफाइन कर दो, या वहां जाके अपनी कोडिंग में बता देना कि फुल एडर इनपुट आउटपुट क्या है सब कुछ। तो मैं यहीं पे कर देती हूँ, कोई इशू नहीं। मैंने बोला ठीक है ए कॉमा बी कॉमा सी इन मेरे पास इनपुट पोर्ट्स थे, फिलहाल मेरे कितने बिट्स के थे उसका गर्ज नहीं है, तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, वो बाय डिफॉल्ट वन बिट का उठा लेगा वहां पे। ये बेसिकली बताने के लिए कि कितने बिट्स का इनपुट आ रहा है। फिर मेरे पास यहाँ पे जो आउटपुट है वो एक सम था, और मेरे पास एक कैरी आउट, ये मेरे पास आउटपुट था, तो यहाँ से मैंने उसको आउटपुट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। ये मुझे बता दिया उसने मॉड्यूल बनेगा फुल एडर का, जिसके ये वाले पोर्ट्स होंगे इनपुट और आउटपुट, फिनिश। ये मेरे पास आ गया मॉड्यूल फुल एडर। अब तुम लोग देखोगे कि मैंने जो अभी लैब लेक्चर में बताया कि कोड इस तरह होता है, और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आ रहा है सिंटेक्स, कोई मसला नहीं, दोनों का मतलब सेम है। तुम लोग इस तरह कोड करना चाहो इस तरह कर सकते हो कि ठीक है पोर्ट्स ऑलरेडी ब्रैकेट में डिफाइन है, इस तरह भी कर सकते हैं, और मैं उस तरह भी कर सकता हूँ जिस तरह ये मेरे पास तुम लोग के लैब मैनुअल में कोड हो गया। दोनों का सिंटेक्स बिल्कुल सही है, दोनों तरह कर सकते हैं, ये दोनों मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, इनपुट आउटपुट इस ब्रैकेट के बाहर थे, पर अब जब मैंने इसमें किया है तो इसमें क्या हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर, तो दोनों तरह कर सकते हैं, दैट्स इट।
अब मैंने यहाँ पे अपना मॉड्यूल स्टार्ट करना है फुल एडर का। फुल एडर का क्या था, मुझे सबसे पहले अपनी वायर बुलानी होंगी n1 n2 n3 सेमीकोलन। फिर मैंने क्या कहा, ठीक है जॉर गेट को कॉल किया, ठीक है वो दिया n1 पे, मैंने कहा कि ठीक है a कॉमा b का जॉर कर देगा। फिर मैंने कहा कि ठीक है मुझे एक और जॉर गेट बुलाना है, कैप्स लॉक का ख्याल रखना, ठीक है कैपिटल एक्स ओ आर नहीं लिखना, स्मॉल एक्स ओ आर है जो वो उठा वेरी लॉक को पता है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि सही है, सम पे क्या आ जाएगा n1 और कैरी इनका और ये मेरे पास हो गया सम के लिए। अब मैंने कहा कि ठीक है मेरे पास दो एंड गेट है, एक एंड गेट कॉल किया जो कि क्या कर रहा है ए और बी का एंड कर रहा है, किस पे दे रहा है n2 पे अकॉर्डिंग टू आर डायग्राम। मैंने अपनी इसमें मैंने कहा है ये n2 है जिसपे ए और बी का एंड हो रहा है, तो ठीक है मैंने कहा कि सही है n2 पे ए और बी का एंड हो रहा है। इसी तरह मैंने कहा कि ठीक है एक और एंड गेट था जिसपे n3 है आउटपुट और किस चीज का हो रहा है पी इन एंड n1 का एंड हो रहा है और वो आउटपुट किस पे जा रहे हैं n3 पे। इसी तरह फिर मैंने बोला और गेट बुलाया, और गेट का आउटपुट जो है वो सी आउट पे जा रहा है जो मेरे पास आउटपुट पोर्ट था कॉमा इनपुट क्या है मेरे पास n2 कॉमा n3 सेमीकॉलन। ये मेरे पास मॉड्यूल बन गया। अब मैं इसको करूंगी सेव, CTRL S करके सेव कर दिया है और इधर से मैंने कहा है कि ठीक है मैं इसको रन करके देखती हूँ मेरे पास सिंटेक्स सही है या नहीं है, पूरा ओवरऑल कोड सही चल रहा है या नहीं, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं इसकी या नहीं, वो मैं इसके थ्रू करूंगी। थोड़ा इंतजार कर लो, यहाँ पे मेरे पास सिंटेक्स चेक हो जाएगा। अच्छा तुम लोगों का क्वेश्चन एक और क्वेश्चन का पार्ट एक और है कि जब तुम लोग कोड लिख लो तो उसके बाद तुम लोग को RTL स्कीमेटिक भी अटैच करना है, वो क्या चीज़ है। वो बेसिकली तुम्हारे पास लॉजिक डायग्राम है जो मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है वो अपना कोड देख के बनाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो मेरे पास सिंथेसिस XST है, उसको ड्रॉप डाउन करूँगी तो व्यू RTL स्कीमेटिक है, इसको क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे मेरे पास ये आ जाएगा। इसको डबल क्लिक करूँगी तो मैं और यहाँ से फिट टू जूम करके मैं देखूंगी तो मेरे पास ये सर्किट आ जाएगा लॉजिक डायग्राम। इसको पढ़ते किस तरह है वो देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे गया ए और बी का सिग्नल आया, यहाँ पे जोर हुआ, यहाँ से मेरे पास वो आउटपुट गया ये, और फिर फर्दर सी इन यहाँ से आया और यहाँ पे जोर हुआ, यहाँ पे आउटपुट चला गया, सम आ गया। मेरे पास क्या हो रहा था, ए और बी का एंड हुआ सर, और ये बफर्स लगे हुए बेसिकली, ये इन्वर्टर्स नहीं है। बफर क्या करता है, जैसे इनपुट आता है उसको रखता है थोड़ी सा फिर आगे पास कर देता है। मेरे पास ये इनपुट आ गया ए और बी एंड हो गया और फिर यहाँ से सी इन और मेरे पास ये वाला जो इनका जोर था वो एंड हुआ और यहाँ पे चला गया फाइनल और ओके आउटपुट सी आउट आ गया। तो तुम लोग को बेसिकली ये अटैच करना है, कोड अटैच करना है। देन मेरे पास एक और चीज आती है कि ठीक है अब मैं इसको चेक कैसे करूंगा कि सिंटेक्स तो सही आ गया, लॉजिक सही है कि नहीं है। इधर जाके सिमुलेशन जो टेस्ट बेंच था हमारा, सिमुलेशन क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करके अगेन राइट क्लिक करना है और न्यू सोर्स करना है। ये याद रखना कि सिमुलेशन पे जाके करो ये सब कुछ, वेरीलॉग टेस्ट पिक्चर बनाना है। और यहाँ पे मैंने ठीक है मैंने कहा कि ठीक है टेस्ट नाम रख देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। किस चीज़ का टेस्ट बेंच बनाना है, फुल एडर का, FA मॉड्यूल का, एक फिनिश, ठीक है। तो वो खुद ब खुद एक इस तरह करके बनाएगा, पूरा कोड ऑलरेडी बना बनाया सॉफ्टवेयर लिखा हुआ जाता है कि ठीक है मैंने मॉड्यूल टेस्ट बनाया, मैंने रजिस्टर रेज एक और डेटा टाइप ABC इन वैल्यूज ले ली क्योंकि मुझे अब इनको वैल्यूज देनी है तो मुझे कहीं पर स्टोर भी करना होगा, इसीलिए मैंने रजिस्टर उठाया। ये आउटपुट है ऑलरेडी वायर, कोई मसला नहीं है। यूनिट अंडर टेस्ट मेरे पास क्या है, मेरे पास ये अपना फुल एडर का पूरा वोट क्या आ जाएगा। फिर मेरे पास है इनिशियल बिगिन, ये एक मेरे पास ये प्रोसीजर ब्लॉक है कि इनिशियल बिगिन मतलब टाइम t=0 पे ये रन करेगा, ये वाला ब्लॉक बिगिन और एंड इसलिए लगाते हैं क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट करने, ए की वैल्यू ये हो जाए, बी की वैल्यू ये हो जाए, सी की वैल्यू ये हो जाए, तो इसलिए मैं बिगिन और एंड लगाते हैं, ठीक है। इनिशियल ब्लॉक जो है वो टाइम इक्वल टू 0 पे रन होता है एंड दैट्स इट, वो खत्म हो जाए सारा, वो रुक जाएगा एक बार, मतलब ये रिपीट नहीं होता इन शॉर्ट।
ये वाला ब्लॉक। मैंने कहा कि ठीक है, ए की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू जीरो है, सी इन की वैल्यू जीरो है। अब मुझे पता है मेरे पास क्या था, ये फुल एडर है। फुल एडर के मेरे पास कितने इनपुट कॉम्बिनेशन है, आठ इनपुट कॉम्बिनेशन। तुम लोग को ये सारे आठों के आठों लिखने हैं और देखना है कि आउटपुट कैसे आ रहे हैं। तो मैं शुरू के चार लिख के देख लेती हूँ ताकि तुम लोग को आइडिया हो जाए, बाकी के चार तुम लोग खुद कर लेना। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, मैं इसको ऐसा करती हूँ, ये अच्छा हैशटैग 100 यूनिट, मतलब ये है कि इतने डिले के बाद तुम्हारा इनपुट कुछ और हो जाएगा। इतने डिले के लिए ए की वैल्यू जीरो रहेगी। तो ये मेरे पास बेसिकली इसका मतलब ये है। अच्छा, अब मैं इसको एंटर करके पेस्ट कर देती हूँ चार बार। मैं चार बार कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने कहा 000, डिले मैं थोड़ा दे देती हूँ 100 यूनिट का, नहीं फिर मेरे पास इनपुट क्या हो जाएगा 001, फिर मेरे पास इनपुट क्या हो जाएगा 010, राइट। बेसिकली मैं डिफरेंट इनपुट देख के देख रही हूँ कि लॉजिक सही काम कर रहा है, वही आउटपुट दे रहा है जैसा एक एडर का देना चाहिए या नहीं। फिर मेरे पास क्या हो गया 000001010011, सही है, ये मेरे पास आ गए शुरू के चार। और ये मैंने का इसको सेव किया, फिर मैंने इसको क्लिक किया टेस्ट को, और यहाँ से अब इसका सिंटेक्स चेक किया, चेक सिंटेक्स, ये जो मैंने लिखा है बिल्कुल चेक हो गया सक्सेसफुल। अब मैं करूँगी सिमुलेट बिहेवियर मॉडल, मेरे पास इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब इस आउटपुट अभी तो फिलहाल तुम लोग स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं, ये करोगे जूम टू फुल व्यू तो तुम्हारे पास यहाँ पे ये आउटपुट आ जाएगा। डिले हमने 10-10 का दिया इसीलिए वो करीब करीब, तुम इसको इसको जूम करना चाह रहे हो तो फिर इसको यहाँ ड्रैग करो। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास क्या है, ये सम की लाइन है। इसको स्टडी कैसे करते हैं, जैसे लास्ट लैब मैंने तुम लोगों को वेव फॉर्म दी थी, इसी तरह इसको देखेंगे कि ये सम आउटपुट जा रहा है, ये कैरी आउट है, ए बी सी इन मेरे पास इनपुट है। अब मैं अगर अपना कर्सर यहाँ रखूंगी तो मेरे पास क्या है 0000, तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए 00 सेम और कैरी, तो मेरे पास यहाँ पे 00 आ रहा है। फिर मैंने अपना कर्सर उठा के आगे किया, थोड़ा सा क्या करेंगे, या मैं ऐसा करती हूँ, जूम कर लिया। ठीक है, अब मैंने कहा कि सही है, मेरा आगे जाएगा थोड़ा सा कर्सर, जिस पे मैंने कहा कि मेरा 001 इनपुट आ गया। जब ये 0 होगा तो इसका वेव का लेवल लो है, फिर देन हाई है, दैट मींस 1। तो मैंने कहा 001 मेरे पास सी इन की वैल्यू 1 थी, ये मेरे पास अगर सी इन 1 है तो मेरे पास सम क्या हो जाएगा 1, तो सम मेरे पास 1 आ रहा है, कैरी आउट क्या है 0। फिर मेरे पास क्या हो जाता है 1010 जो मैंने सेट किया था, 010 पे भी मेरे पास क्या आना चाहिए, सम 0 कैरी आउट, सॉरी सम 1 कैरी आउट 0। फिर मैंने कहा कि ठीक है, फिर मेरे पास 011 हो गया, 011 हाई हाई। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर इनपुट क्या आना चाहिए था, सम 0 कैरी आउट 1, वही आ रहा है, सम की वैल्यू 0 हो गई, कैरी आउट क्या है 1। ठीक है, इस तरह हम इसको स्टडी करते हैं। तो मैंने अभी तक मेरे पास बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है, दैट मीन मेरे पास जो लॉजिक मैंने बनाई थी वो बिल्कुल सही है। इस तरह हम टेस्ट बेंच बनाते हैं। तो बेसिकली तुम लोग को ये वेव फॉर्म भी देनी है, याद रखना है जूम करके दोगे जिसमें इस तरह करके, इस तरह दे दो बेशक, या जूम करके दे दो जिससे मुझे प्रॉपर दिख जाए तुम लोग की वेव। करना क्या है, लैब मैनुअल में तुम लोग को यही हाफ एडर फुल एडर बनानी है, राइट आपका आरटीएल स्कीमेटिक लगाना है, राइट टेस्ट बेंच टू टेस्ट योर मॉड्यूल, गिव ऑल द पॉसिबल इनपुट। तुम्हें टेस्ट बेंच का कोड जो कि बेसिकली ये कोड है, यहाँ से लेके मॉड्यूल टेस्ट से लेके यहाँ तक तुम लोग पूरा वहाँ पे दोगे, अपने सबमिट कराओगे वर्ड फाइल पे, और सिमुलेशन वेव फॉर्म जो होगी उसकी करस्पॉन्डिंग वो लगा दोगे। ख्याल ये रखना कि गिविंग ऑल द पॉसिबल इनपुट, मैंने फिलहाल फुल एडर के लिए चार दी, तुम लोगों को टोटल 8 देनी होगी जो कि टेबल पे होगा। फिर तुमको पता है ये एक सर्किट दे दिया 2×1 मक्स का। मक्स क्या करता है, अगर सेलेक्ट लाइन पे 0 है तो हमारे पास ये वाली वैल्यू चली जाएगी आउटपुट पे, अगर 1 है तो ये इन 2 की वैल्यू आउटपुट चली जाएगी। तुमको ये कोड करना है अपना वेरीलॉग में गेट लेवल पे, मॉड्यूल बना के, मॉड्यूल इन 2 इन सेलेक्ट लाइन, ये तुम्हारा इनपुट आ गया, ये मॉड्यूल आउटपुट हो गया, 2×1 मक्स का बनाना है। तो टेस्ट बेंच में तो आरटीएल स्कीमेटिक लगानी है, कोड लगाना है,
इसमें कोड्स लगाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर वन पे, क्योंकि हाफ एडर फुल एडर का कोड ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो सिंपल आरटीएल स्कीमेटिक्स और टेस्ट बेंच और जो आंसर है, जो सिमुलेशन है, वो देनी। फिर क्या है, राइट इट, ठीक है। फिर क्या है, आरटीएल स्कीमेटिक हो गई इस क्वेश्चन में। फिर तुम्हें टेस्ट बेंच लिखना है, जिसके इनपुट की वैल्यू मैंने दे दी है, डिले के बाद डिले की वैल्यू भी दे दी। कितने डिले के बाद तुम क्या कर दो, सेलेक्ट लाइन की वैल्यू जीरो दे दो, और उस टाइम पे इनपुट की वैल्यू यही होगी, बाकी के इनपुट भी सेट करने होंगे। फिर ये तुम लोग की प्रैक्टिस प्रॉब्लम है कि तुम लोग इसको वेरीलॉग पे कोड कर लो। क्या होगा, ए बी सी डी इनपुट पोर्ट्स हो गए, ई मेरे पास आउटपुट पोर्ट्स हो गए, इंटरनल वायर्स कितनी लगेंगी, एक दो तीन, ठीक है। अच्छा, ये तुम लोगों को बेसिकली लग रही होगी दो, लेकिन वही वाली बात है, मैंने कहा कि ठीक है अगर मैं इसको x ले लेती हूँ, x पे b और c का इनपुट आ जाए, इन दोनों का नॉर हो जाएगा, और फिर x इसका भी इनपुट है, x इनका भी आउटपुट है, तो ये बेसिकली एक ही वायर का काम करेगी, सही है। और ये मेरे पास एक और नया वायर है और एक नया, ठीक है जी। इस तरह करके हम अपना कोड लिखेंगे और कोड देना, बाकी का काम नहीं करना। बाकी के क्वेश्चन अगर तुम लोगों को समझ नहीं आया तो हम डिस्कस कर लेंगे।